थोड़ा सा फिल्म के बारे में जब मैं ब्रीफ कर दे उसके बाद ये सवाल जवाब की पूछना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा फिल्म का नाम सयोनी है जो कल थिएटर्स में रिलीज हो रही है और पोस्ट कोविड ये पहली अच्छी बड़ी फिल्म है जो आपको दोबारा इंकरेज करेगी लोगों को कि थिएटर वापस जाए। एंड ये पूरा म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर है, इसमें बहुत बड़े बड़े गाने हैं, अरिजीत सिंह सर हो, मिक्का पाजी हो, एंड यू हैव नूरान सिस्टर्स, यू हैव सचेत टंडन, सुकृति कक्कड़, तो बहुत बड़े गाने हैं। एंड सयोनी गाना जो 90s का फेमस जुनून बैंड का था वो भी इस गाने में, इस फिल्म में वापस आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और आ चुका है टी सीरीज ने म्यूजिक लॉन्च किया है और गाना ऑलरेडी बहुत हिट चल रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप जैसे गाने को प्यार मिला है ऐसे ही फिल्म को भी प्यार मिलेगा। और हमने शूटिंग रशिया, दुबई, पंजाब, दिल्ली हमने यहाँ भी शूट किया है। एंड ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर, इसमें आपको हर मसाला मिलेगा जो एक बड़े पर्दे में जो देखने में मज़ा आता है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी जब आप कल देखेंगे। और थैंक यू सो मच। आप बैठते हैं, आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन पिछले 2019 में शूटिंग अपना सारा करा। राहुल रॉय जो आशिकी एकदम चाहत की ज़रूरत है जैसे इसमें फेमस है, तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और हम दोनों को मौका मिला। एंड बीइंग अ न्यूकमर्स राहुल रॉय जी के साथ काम करने का मौका मिला, योगराज सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, उपासना सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। एंड राहुल जी का पहले जो 90s का हेयर स्टाइल फेमस हुआ था, आई होप कि वो भी एक डिफरेंट अवतार में पूरे आ रहे हैं इस बार न्यू लुक के साथ। अनफॉर्चुनेटली उनको कारगिल में वो शूट कर रहे थे तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो वो प्रमोशनल पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, बट उनका ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। आई होप वो लोग उनका किरदार बहुत पसंद करेंगे, ये तो 100%। तन्मय जी, टाइटल सॉन्ग कहते हैं बहुत मेमोरेबल हम लोग चूज करते हैं हमेशा, तो आपने 90s का एक सॉन्ग जो ऑलरेडी हिट था वो चूज किया, तो आपको लगता नहीं कुछ यूनिक होना चाहिए था, कुछ नया होना चाहिए था जैसे लॉकडाउन के बाद मूवी आ रही है तो? हमारे पास एक ही ट्रैक है ना, काफी ट्रैक्स है वो सारे मेमोरेबल है। अभी कल ही जो मोहब्बत अजनबी भी रिलीज हुआ है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। एंड सयोनी गाने का लेना इसलिए जरूरी था कि एक तो सयोनी का मतलब क्या है, तो सोल में जान से बढ़कर, और फिल्म का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो स्टोरी भी उसके साथ जाती है। एंड जब जुनून बैंड से ये गाने के राइट्स मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ में वापस आया, एंड हमारा टारगेट ये नहीं था जैसे बीइंग अ 90 किड्स, हम दोनों 90s के, हमें पता है सयोनी की अहमियत, बट जो आज की जनरेशन है उनको अगर आप पूछोगे कि सयोनी गाना, उनको शायद नाम भी नहीं आता या पता भी नहीं जी, तो अब उनके लिए भी आ गया ना एक सयोनी का, तो इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई। और वो पूरा मेमोरेबल है, कहाँ हम, मुझे याद है जब सयोनी गाना 99 आई गेस आया था, और 2000 में मैं दिल्ली का ही हूँ, okay. हम दोनों ही दिल्ली के, तो तब सेंट्रो का लॉन्च हुई थी, तो जब मेरे डैड ने सेंट्रो का ली थी तब मुझे याद है मैं पहली कैसेट खरीद के लेकर आया था वो गाड़ी में चलाने की, वो सही जुनून की, ये सयोनी गाने की, तो मेरे लिए वो पूरा लाइफ सर्कल वापस आ गया कि आज मैं उस जिसके कैसेट खरीद के मैं गाड़ी में चला रहा था, आज मैं उस गाने में परफॉर्म कर रहा हूँ और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़। मुस्कान मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कि मैं इस मूवी में हूँ तो तन्मय की वजह से हूँ, क्योंकि ही हैड रेकमेंडेड मी टू नितिन सर जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, नितिन कुमार गुप्ता जी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, उन्होंने मेरी एक साउथ की मूवी में मुझे देखा था, उन्होंने कहा था कि वी मस्ट मीट, एंड
माय एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड एंड ग्रेटफुल। कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे काफी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं, इवन आवर चंडीगढ़ एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बट आई थिंक मोस्ट फन वाज दुबई। दुबई में शूटिंग करना, इट वाज लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक जो लोकेशन थी, जो भी सॉन्ग शूट हुआ वो काफी काफी यू नो ग्रैंड स्केल पे, और एकदम वो जो सुपरस्टार वाली फील हमें आ रही थी कि वी आर शूटिंग सच अ बिग सॉन्ग सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह सर इन यू नो इन द डेजर्ट इन कोरोना के दौर में लोग फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, कैसे कर दिया आप लोगों ने? ये तो प्रोड्यूसर क्या उनके तो, सो द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय लकी नाडियाडवाला मुरानी प्रोडक्शन। इन्होंने इनके फैमिलीज ने, मुरानी फैमिली हो, नाडियाडवाला फैमिली से कोलैबोरेट किया है, एंड रफू चक्कर जैसी मूवी, राजा हिंदुस्तानी जैसी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी, तो वो हमें लॉन्च कर रहे। एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही हमें दे रहे हैं, तो जो एक इंडस्ट्री का वो है कि न्यू कमर्स को हम नहीं करते हैं, तो ये हम जीते जाते आपके सामने बैठे हैं एग्जांपल की। बड़ा बैनर भी, बड़े प्रोड्यूसर भी सपोर्ट करते हैं इफ यू गॉट अ टैलेंट। आई थिंक हमारे लिए इट हैज बीन लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, क्योंकि हमें यू नो इस टाइम पे इतनी अच्छी लॉन्च मिल गई, क्रिसमस रिलीज मिल गई, तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा टाइम मिलेगा रिलीज का। तो जो भी कुछ हो रहा है आई फील हमारे लिए इट्स इन आवर फेवर, और अगर टेनेंट को इतनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है बिकॉज वो हाउसफुल जा रही है, तो वाई नॉट सयोनी? पीपल वॉन्ट टू नाउ गेट आउट, यू नो, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नॉर्म्स फॉलो करके, क्यों ना कोई जाए? और किसी ना किसी को कभी ना कभी तो अब करना ही पड़ेगा to encourage people to go back to theater, and producers ka hats off hai ki wo risk le rahe hain, hum newcomers hain, koi bade stars ki film hoti to baat alag thi, but producers are taking the risk to go to the theaters kyunki unko bhi pata hai ki abhi 50% occupancy mein hai and all that, so they are taking a huge risk, and but kabhi na kabhi to sir karna hi padega, nahi to fir hum laptop pe ke hum OTT hi dekhte reh jayenge। आई थिंक ये जो थिएटर का एक्सपीरियंस है आपको एक 150 to 200 रुपीज में आज टिकट मिल रही है बिकॉज प्राइसेस भी कम हो गए हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक कॉमन मैन को इस प्राइस में मिल जाए अलॉन्ग विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो पीपल विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि लोग थक गए घर पे बैठ बैठ के। एवरीबडी वॉन्ट्स कि कोई तो एंटरटेनर की थीम होगी कि मूवी है, यू नो, वी आर गिविंग अ कम्प्लीट एंटरटेनर, सो आई रियली फील कि लोग you know inquisitive or keen होंगे जाने के लिए, and definitely they will step out and want to have some change you know for some time, keeping in mind of course all the safety norms like wearing mask, and in every theater there is one seat or gap as well between two people, so all of those things keeping in mind, I think that it's a great win-win kind of situation for a you know a viewer or a person who would want to go to theater, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक यू नो सिनेरियो है, क्योंकि टिकट के भी प्राइसेस कम हो गए हैं, जो कि पहले डायरेक्टर्स कट में आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ या 750 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब आपको 500 में डायरेक्टर्स कट में भी मिल रहा है, 150 to 200 रुपीज़ नॉर्मल स्क्रीन पे मिल रहा है, सो वाई नॉट। अब सिनेमा अभी इस वक्त सबसे लो फेस में गुजर रहा है, तो चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्क लेना ही था, और अब हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी ले लिया है, तो देखिए। इन इंडिया के समय आप दोनों को कोई दिक्कतें आई, परेशानी, उसके बारे में थोड़ा अनुभव शेयर? परेशानी दिक्कतें नहीं आई, बस चोटें ज्यादा खाई है। आपने ट्रेलर देखा है उसमें जो बॉम्ब सीन आप देखा होगा कि मैं वो रियल बॉम्ब थे, तो मैं रशिया में हम शूट कर रहे थे एक बैरन लैंड में, तो कोरियोग्राफी थी कि बीच बॉम्ब बने हुए हैं विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन, तो जो बॉम्ब टीम आ रखी थी उन्होंने एक द मम्मी मूवी आई थी टॉम क्रूज की, जिसका ओपनिंग सीक्वेंस बॉम्ब था, तो वो सेम टीम थी जो आ रखी थी, ये बॉम्ब कोऑर्डिनेटर्स थे जो, तो मेरा बॉडी डबल सब था, बट वहाँ आके मेरे को वो टॉम क्रूज के एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, तो मैं भी हो गया नहीं, मैं भी खुद करूँगा, तो वो करते करते मैं पूरा, जैसे वो जब बॉम्ब फटते हैं तो वो पत्थर निकलते हैं एंड ऑल दैट, तो वो पूरा मेरा वैसे भी ब्लड मेकअप था उस सीन में, तो जब पैकअप हो गया तब देखा तो वो ब्लड मेकअप उतर नहीं रहा, वो लिटरली पूरा यहाँ सब पत्थर वगैरह जा चुके थे। मैम लॉकडाउन में ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नेपोटिज्म ने बहुत हाई किया,
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेपोटिज्म का हमें तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द इंडस्ट्री से, तो हम तो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी मूवी रिलीज होने को आ रही है। डेफिनेटली इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन हम जो है हम बिल्कुल ही इंडस्ट्री से नहीं, ना मैं हूँ ना तन्मय है। तो ये जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नाम इसमें जुड़ जाएंगे, जो अरिजीत सिंह सर हैं और जो टी सीरीज ने म्यूजिक लिया और फिर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुई। तो हमने तो एक बहुत ही यू नो हम्बल तरीके से फिल्म स्टार्ट की थी, जस्ट बिलीविंग इन द स्क्रिप्ट, एंड आज ये फिल्म इस यू नो मुकाम पे है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट नेपोटिज्म हमें बहुत स्ट्रगल कर रही है। मैं ये बोल सकता हूँ कि नेपोटिज्म मतलब मुझे वो समझ नहीं आता, फॉर से हमें मौका मिला ना, नाडियाड वाला मुरानीस ने हमें दिया ना मौका, हमें भी एक चांस मिल सकता है। अगर आप जैसे मैं दिल्ली में मंडी हाउस में अरविंद गौर जी के साथ अस्मिता ग्रुप में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था, मैं नुक्कड़ नाटक से मंडी हाउस में शुरू किया जी। आज ये मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट है कि मैं एक दिल्ली के मंडी हाउस से निकल के आज मैं मुंबई के हर थिएटर में हमारे पोस्टर्स है। तो हमने इतना नहीं, हम बस अपना हार्ड वर्क कर रहे थे एंड कर रहे जा रहे, हमें एक मौका मिला। अगर टैलेंट नहीं होएगा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सेम विद द स्टार किड्स, कितने स्टार किड्स भी है जो आते हैं उनको एक मौका मिल सकता है, दूसरा मौका तो जनता ने दिया। अब अगर आप वरुण धवन है, रणबीर कपूर है, दे आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग देम, एंड कितने ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अब नहीं है क्योंकि वो जनता ने निकाला है, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नहीं निकाला। तो मेरा ये टेक नेपोटिज्म में ये टेक है कि हम सबको अगर हार्डवर्क करेंगे एक मौका मिल सकता है, चाहे वो स्टार किड हो चाहे नॉन स्टार किड हो, सेकंड मौका आपको ऑडियंस देगी और कोई नहीं दे सकता। What's the reason कि इसकी foreign shooting ज़्यादा आप लोग ने, मतलब why it was not shot in India? What is the main reason for this? Sir, India में mafia नहीं है ना, Russian mafia अलग। We don't Bombay mafia, जो Bombay underworld। चले गए ना दुबई। Okay. देवम में हमारा जो मिक्का पाजी का गाना है जो एयरपोर्ट के उधर है, उमराव के उधर, वहाँ पर हमने मिक्का पाजी वाला गाना शूट किया है। रोड्स पे काफी एंड देन नेताजी सुभाष पैलेस में शूट किया है, टीवी टावर के उधर। तो यार हाँ फुल पब्लिक का रिस्पॉन्स जो आया वो कल आएगा। सात आठ तो देंगे सर, बनता है सर, इतना मेहनत किया है, मेहनत जो किया, आई थिंक मैं तन्मय को दे दूंगी, तन्मय मुझे दे देगा, बस एक एक मैं तो तन्मय के आई थिंक हार्डवर्क पे 10 में 10। हाँ मैं अपने हार्डवर्क पे 10 में से 10 क्योंकि ही ईट्स स्लीप्स ब्रीथ ओनली सयोनी सिंस द टाइम दैट आई गॉट। मतलब मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं लॉन्च तो हो रहा हूँ एज एन एक्टर, बट जैसे ही फ्री टाइम मिलता था तो मैं डीओपी के साथ सीखने बैठ जाता था, मैं एडिटर के साथ बैठा हूँ फिल्म एडिटिंग में, मैं कलर ग्रेडिंग में बैठा हूँ, मैं वीएफएक्स वाले के साथ बैठा हूँ, मैं अभी डिलीवरेबल्स में बैठा हूँ। तो मुझे क्या हुआ है, मैंने एक तरह से ये फिल्म के साथ मैंने PhD कर ली है फिल्म कोर्स की। तो मेरे लिए क्योंकि मेरे का ये था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सीखने का हर डिपार्टमेंट, वो भी आप जब प्रैक्टिकल सीखते हो
वो एक अलग चीज होती है rather than हम एक फिल्म कोर्स ज्वाइन करते हैं तब क्या सीन तो नेक्स्ट फिल्म तो डायरेक्ट करने वाले होंगे आप नहीं नहीं सब कुछ सीख लिया नहीं नहीं फिर एक्टिंग में कमी आ जाएगी ना इसलिए अभी इतना नहीं वो बाद में कभी स्टार बन गए अच्छे बड़े जो अगर जनता ने कराया तो फिर गर्म कर हम जाने ऐसे कि मूवी का थोड़ा स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में किस बेस के ऊपर है क्या है ये तो सर मेरा किरदार है राजदीप रंधावा मैं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन लाइक अभिनव बिंद्रा टाइप सर एंड ये दिल्ली की एकदम बबली की जैसे रजौरी गार्डन टाइप लड़की है माही तो मुझे हम ये एकदम बबली फनी है तो ये मेरा मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ और हाँ हमने वहाँ डॉक्टर तन्नी सिंह शूटिंग स्टेडियम में भी हमने पूरा एक शूटिंग सीक्वेंस शूट किया तो ये मतलब कोई फन तरीके से मेरा कभी मेडल लेके भाग जाती है कभी मुझे पीछे ये स्कूटी में भगा रही है मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो ये है बट मुझे इनसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है एंड कैसे ये फिर पंजाब आती है फैमिली हम मिलते हैं सब अच्छा खासी जिंदगी चल रही होती है इनको जाना था रशिया फर्स्ट हर्बल रिसर्च की करती है तो इनको ऑफर आता है रशिया से ये जाती है बट सडनली वन डे आई रिसीव अ वीडियो कॉल पे कि शी गॉट किडनैप बट जब मैं जब रशिया जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आई ही नहीं है तो आप फिर वो देखिए कैसे फिर वो रशियन माफिया जुड़ते हैं कि हाउ द ड्रग ट्रैफिकिंग टेक प्लेस एंड ये कैसे फंसती है उनके जाल में एंड ऑल बट और राहुल रॉय जी का वो इंडो रशियन कॉप बने हुए हैं जो मुझे अरसान तो वो कैसे मेरी मदद कर रहे हैं बट वो वाकई में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा और कुछ एंड आपको आपने गाने सुने सयोनी एंड एक लाइन आपकी तरफ से एक नहीं मैं लाइन उगाऊंगा हमारे मेरे साथ हमारे फिल्म के ऑफिशियल जो सारे अभी रिमिक्स भी करेंगे एंड दिल्ली के फेमस भी बहुत ही है दिल्ली के पूरे इंडिया के है डीजे सुमित सेठी तो पूरा जो अरिजीत सिंह मिक्का पाजी और सचिन तेंदुलकर और सुप्रीति कक्कर के करेंगे तो ये सुमित सेठी भाई करेंगे हमारे जो हमारे ऑफिशियल रिमिक्स मैन है थैंक यू पहले तो फर्स्ट गुड इवनिंग इतने टाइम बाद सबको मिले गुड आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशन मुस्कान आप लोगों ने देखा सयोनी जो आपने तन में जस्टिस करी है ना वीडियो में गाने तो मतलब जो आई वाज वंडरिंग कि जो जुनून ने जो करा इतना लेजेंडरी गाना था उसके बाद जो आपने रॉकस्टार के साथ जस्टिस बीइंग अ रॉकस्टार इज रियली गुड मजा आ गया क्योंकि इसमें अभी आपने एक डायलॉग प्रोमो भी आया है क्योंकि मैं निशाना और बजाना बहुत अच्छे से जानता हूं गाइस ऑफ कोर्स द न्यू एज Actors, you really did justice, guys. मतलब मैंने तो गाने पूरे ध्यान से सुने, देखे मजा आ गया. मुस्कान जी का इज फैबुलस. एंड सयोनी गाना का जैसे आप जो पूछ रहे थे, वी मेक श्योर कि वो ज्यादा हम आज के टाइम का रिक्रिएशन ना करें कि और जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल ही है तभी तो एक पहली बात तभी तो रिक्रिएट कर रहे बट वो रिक्रिएशन ज्यादा बिगाड़ना नहीं है तभी हमने अगर आप गाना जब सुनेंगे टी सीरीज में आप जाके सयोनी थे लिरिक्स हमने चेंज नहीं किए ट्यून चेंज नहीं किए आज के टाइम के इंस्ट्रूमेंटेशन करें वी हैवंट डन दैट एंड नूरान ज्योति नूरान जी ने जो उसमें टच दिया है अपना और उनका कल गाना भी सयोनी का ज्योति नूरान वर्जन कल रिलीज हो रहा है तो वो एक सोलफुल एकदम सूफी नाइट में जो चले गए दिल्ली में जो चलता है वो चले ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए जो नाम है सयोनी ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है क्योंकि जैसे वो गाना हिट है तो उस गाने के बोल वगैरह उसके लिए पूरा सेम आपके मतलब क्रिएशन किया गया है तो कितना वरदान आप समझते हैं कि आपकी फिल्म के लिए साबित हो सर बहुत बड़ा वरदान है अभी जैसे मैंने बताया था मेरे लिए तो वो लाइफ साइकिल ही वापस आ गई हाँ हम मैं कैसेट खरीद रहा था 1999-2000 में और आज यही गाने मेरा मूवी का टाइटल भी है और इस गाने में मैंने परफॉर्म भी करा है और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में तो इससे बड़ा वरदान आई डोंट थिंक सो एंड प्लस जो सयोनी का मतलब है वो पूरा हमारी फिल्म के साथ जस्टिस कर रहा है क्योंकि सयोनी का मतलब है सोलमेट
जान से बढ़कर, तो एक राधे वृंदावा माही के लिए जान से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या क्या कर रहा है उसके लिए, वो रशिया भाग रहा है एंड ऑल दैट, तो वो पूरा जस्टिस भी कर रहा है। मेरे को लगता है कि सयोनी, जुनून, अरिजीत सिंह, नूरान सिस्टर्स, मोहम्मद भाई मुरानी, नाडिया डवाला, इससे ज्यादा क्या ही ब्लेसिंग, मिक्का बाजी, मिक्का बाजी, एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। एंड आई थिंक जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं ना, लकी बाबी, वी कॉल अ बाबी, सो लकी मुरानी एंड मुरानीज आर ऑलवेज ऑफ कोर्स वेल नोन एंड दे आर लीडिंग द इंडस्ट्री सिंस डेकेड्स नाउ। सो मोहम्मद भाई, तो इट इज अगेन अ ग्रेट ब्लेसिंग टू बी एसोसिएटेड विद देम। मोहम्मद भाई ने तो मतलब हमें न्यू कमर्स को मौका दे रहे हैं, वो भी बड़े प्रोड्यूसर्स, जो ही इज लाइक अ मूवर एंड शेकर ऑफ बॉलीवुड। तो वो जो डिबेट्स भी चलती है आजकल, तो वो भी उन्होंने शट कर दी कि अगर आप मेहनत करो, काम करो, तो काम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का रिलेशंस में हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बड़े बैनर्स भी आपको काम देते हैं, ऐसा बात नहीं है। And may I agree to this because I am also a Delhi boy and कहाँ मैं बॉम्बे जाना था, जैसे बुसे थे नहीं धीरे, तो people like Mohammad Bhai, of course Mohammad Bhai, they take the talent and took it there and perform all over the places, thanks to Mohammad Bhai again. मतलब इतना amazing, और मैंने ना सब picture तो almost देख ली, but believe me guys, it's a fabulous job brother, fabulous. Muskan, trust me, we all from Delhi will be full hearted support to you guys. ऑडियंस के नाम कोई संदेश ना सर, ऑडियंस के नाम कोई संदेश कोई दोनों की तरफ से आप? आई थिंक अगर लोग सयोनी के टाइटल से हमें एसोसिएट कर लें और हमें याद रखें और हमारे को अपने कहते हैं ना, हमारी छवि अपने दिमाग में बिठा लें और हमें एक्सेप्ट कर लें, हमारे वो ही बहुत बड़ी बात होगी कि दिस इज सयोनी बॉय, दिस इज सयोनी गर्ल, हमारे उतना ही बहुत होगा, क्योंकि एक रिकग्निशन मिलना, यू नो, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना। So really guys, we would, you know, love it if you shower your love and support, and agar isse hame ek acha platform mile, so that is our only hope. So keep giving us your love, we are one of you, we are not from the industry, we are just like you. So aap hame apna support dete rahiye, aur bas hum to yahi chahenge. Sir, main to ye bolunga ki jaise ek normal background se aake koi हम लाइक एवरेज लुकिंग गाइस, वो है मुंबई का सपना देखते, तो बींग एवरेज लुकिंग गाय, हम अगर बन सकते हैं मुंबई जाके, तो कोई भी, मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे से जनता अगर एसोसिएट करे तो ये करे कि ये बन सकता है साला, मैं भी बन सकता, तो काम मंडी हाउस में मैं हल्ला बोल काला कुर्ता पहन के हम करते थे, तब भी लोग आते थे जाते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में कई लोग रुकते भी नहीं होते, तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आया था वहाँ से, आपको क्रिटिक्स भी मिलते हैं कि आपको लोग, जब हम इतना मेहनत कर रहे होते थे धूप में खड़े होके, इंडिया गेट पे हम नुक्कड़ नाटक कर रहे होते थे, लोग आ रहे जा रहे, कोई सुन नहीं रहा था, तो वहाँ से जो मिला, तो सर फिर बड़े पर्दे में आने के बाद तो फिर टेंशन ही नहीं थी, कि हम वो ऑलरेडी यहाँ से हम गुजर चुके हैं, तो अब नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस ये है कि हमने अपनी मेहनत में कभी नहीं रखी, ना रखी है ना रखेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म किए जाए चिंता ना कर फल की, तो हम अपने कर्म करते रहेंगे, एंड बीइंग अ नॉर्मल बैकग्राउंड से अगर हमें आके मेहनत करके ये मौका मिला है, तो आप अब जनता के हवाले कल पिक्चर जा रही है, तो आई होप कि जनता एक बार हमें मौका देंगी, क्योंकि अगर जब हम डिबेट भी करते हैं तो, और हम डिबेट किया इंस्टाग्राम पे हैशटैग तो बहुत चला देते हैं, बट जब आप फिर रियल सपोर्ट की जब बारी आती है तब कुछ नहीं होता, तो फिर दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि वो जो हम वर्ड यूज करते हैं नेपो प्लाना, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप एक टाइम पे तो वैसे कुछ इंसिडेंट होता है एक हैशटैग्स के लिए तो आप चला देते हो, बट जब रियल सपोर्ट की बारी होती है तो अब आप ये मौका आ रहा है, और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए भी वैसे ये मैटर है, इट डजंट मैटर कि अभी मोहम्मद सर हो, सब रिस्क ले रहे पोस्ट कोविड सिनेरियो में, जस्ट फॉर द इंडस्ट्री देखा जाए तो, क्योंकि थिएटर के पास भी कंटेंट्स जाने चाहिए जो बड़े कि लोगों को वापस इंकरेज करें, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, और ये फुल फिल्म आपको मसाला है, इसमें आपका रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है और सस्पेंस है,
तो आई होप जनता को पसंद आएगी, बट एक बार मौका दीजिए, पसंद ना पसंद वो बात का खेल होती है, बट मौका और एक्सेप्टेंस पहली चीज होती है। तो आप हमें मौका दीजिए और बाकी फिर रब रखता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक फोटो फोटो।